गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप धोरण 9 માં હિન્દી વિષય ભણવા માટે ભેગા થયા છે। તો એમાં આજે આપણે યુનિટ 5 પાઠ 5 સ્વરાજ કી નહીં કે જ્યારે 1857 માં જે વિપ્લવ થયો હતો અને એ વખતે સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે જે પ્રયત્નો થયા હતા એનું એક નાટક છે અને નાટકના એક ભાગ રૂપે નાટકનો એક ભાગ અંશ અહીંયા લેવામાં આવ્યો છે। એટલા માટે કે નાટક અથવા કોઈ પણ પ્રવૃત્તિનો એક ભાગ જ્યારે નાટક રૂપે દર્શાવવાનું હોય એને એકાકી કહેવાય। એકાકી એટલે એક અંકનું। તો આપણે એના લેખક વિષ્ણુ પ્રભાકર છે અને આ પાઠ જે છે સ્વરાજની મેં એનો પ્રકાર કહીએ તો એકાકી છે। હવે આપણે પાઠ ભણીશું તો આપણે પેજ નંબર 34 16 પર જઈશું અને એમાં લક્ષ્મીબાઈની શરૂ કરીશું। તો લક્ષ્મીબાઈ મુસ્કુરાકર સમાજ મેરી કરકર તુમ લોગો સે મુજે યહી આશા હૈ કે જ્યારે એક એને જૂહી નામની જે સાથી છે કહે છે કે ભલે આપણને સ્વતંત્રતા ના મળે, અમે સફળતા ન મળે, પર સફળતા કી ની અગર હમસે શરૂ હોતી હૈ તો અમે ઉસ પરિસ્થિતિ મેં રહેના ભી પસંદ હૈ। તો યહ સોચકર યહ જાનકર લક્ષ્મીબાઈ ખુશ હોતી હૈ। તુમ લોગો સે મુજે યહી આશા હૈ जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। जीत दिलाने के लिए जो शुरुआत करता है उसे सब लोग जानते हैं। तो यही लक्ष्मीबाई कहती है कि हमें जीत मिले या ना मिले, स्वराज मिले या ना मिले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप स्वराज प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। यहाँ महारानी कहती है कि मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे जीते जी हमें स्वराज मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मुझे यह एक दुख है कि हमारे पास स्वराज प्राप्त करने की शक्ति है, हम अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं फिर भी हम जीत हासिल नहीं कर सकते, हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है कि कोई भी सेना को अनुशासन में रखने का काम सेनापति करता है। अच्छा सेनापति हो तो उसकी सेना भी अच्छी होती है, वो उसके सैनिकों में जो युद्ध के अलग अलग कौशल खिलाता है और उसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। तो यहाँ महारानी कहती है कि हमारे पास अच्छे सेनापति भी हैं तात्या जैसे, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों जानती हो क्यों? लेकिन युद्ध करने के लिए अच्छी जगह होनी जरूरी है। अगर हमारे पास ग्वालियर का किला है जो मजबूत है, जो अंग्रेजों के गोले बारूद से हमें सेफ रख सकता है, फिर भी हम अपना ध्येय प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमारी दुर्बलता है। क्यों ऐसा हो रहा है पता है तुम्हें? जो ही जाती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। जूही कहती है कि हाँ महारानी, मुझे पता है कि हम लोग स्वराज क्यों प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मौज मस्ती में अपने शौक पूरे करने में सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। कोई भी व्यक्ति एकजुट होकर स्वराज के लिए नहीं सोच रहा। जब राजाशाही शासन चल रहा था तब राजा लोग हर रोज नृत्य देखते, अपने शौक पालने के लिए वो शिकार करने जाते, वैसे कई काम करते थे। तो यहाँ पर भी जो राजा है वो अपने मौज मिलासिता में मशगूल है, इस वजह से वो युद्ध में पूरे पूरा अपना ध्यान नहीं दे रहे और इस वजह से ना महारानी लक्ष्मीबाई थोड़े दुखी है, ना खुश है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांद्रा के नवाब सेनापति तात्या। वहां मुंदर आती है हस्ती हस्ती और कहते हैं कि हम विलासिता में नहीं डूबे, पर बांद्रा के नवाब सेनापति तात्या अपनी मौज विलासिता में डूब गए हैं। जूही सहसा,
नहीं मुंदर सेनापति नहीं, जूही कहती थी तरह तुरंत बोलती है नहीं नहीं तात्या जी नहीं सेनापति नहीं मौज विलासिता में डूबे। मुंदर मुस्कुराती है, ओ समझी तुम तो उनका पक्ष लोगी। मुंदर मुस्कुरा कर कहते हाँ तुम तो उनका ही पक्ष लोगी ना। जूही दृढ़ स्वर में मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता। जूही तुरंत अपने स्वरों से दृढ़ होकर कहती है कि मैं उनका पक्ष नहीं लेती, पर जो हकीकत है वो सबके सामने आती ही है। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, ये सरदार तात्या उनको अपना स्वामी मानते हैं। मुंदर पर तुम उनको अपना स्वामी मानती हो, तो यहाँ पर मुंदर तात्या को मन से अपना पति मानती है, इसलिए उनकी लागी तात्या की तरफ देखी जाती है। जूही हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उसमें उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। तो यहाँ जूही कहती है कि हाँ मैं तात्या को अपना स्वामी मानती हूँ, पर उनसे भी ज्यादा मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और उनसे भी ज्यादा मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। अगर देश की लिए मैं अपना किसी भी तरह से मैं काम आऊँ तो मैं इन सबको भी ठोकर मार सकती हूँ, और मैंने यहाँ स्वराज के लिए सरदार को भी ठुकरा दिया है। मुंदर शक पकड़ कर जूही तो तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मुंदर कहती है कि जूही मैं यह कहना नहीं चाहती, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। तो यहाँ पर कहती है कि वो गलत रास्ते पर चले गए हैं और तू उन्हें अपना स्वामी मानती है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। लक्ष्मीबाई जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। तो यहाँ लक्ष्मीबाई उसका पक्ष लेते हुए कहती है कि जूही ने उन्हें रोका था, मैं अच्छी तरह से जानती। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धक्का दिया था कि जब राव साहब के कहने पर तात्या नाचने को कहा था मुंदर को, तब उन्हें उसने इनकार कर दिया था। जूही हाँ रानी मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। जूही एक नर्तकी है, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। यहाँ पर जूही कहती है कि हाँ रानी मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, पर जो व्यक्ति स्वराज की फर्ज निभाने में नहीं मानता उसके सामने मैं नाचूंगी नहीं और उसे अपनी कला से रोकूंगी भी नहीं। उसे कहूँ धीरे धीरे बताऊंगी कि उसे अपने स्वराज प्राप्ति के लिए अपनी फर्ज निभानी चाहिए। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ और मुझे अपने काम से हटाने की कोशिश करते हैं तो मैं उनको भी ठोकर मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ, यदि यही दर्द तो हमें कचोट रहा है, अगर ठोकर मार कर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं राव साहब को ठोकर नहीं मार सकती, अगर यह कर सकती तो मैं तुरंत उनको ठोकर मारती और उनके भोग विलासिता में से उनको बाहर निकालकर स्वराज प्राप्ति के लिए उनको अपना फर्ज निभाने के लिए कहती। तो अहीं आपणे आपणो जे चैप्टर छे अटकाईए छे आगळनो बीजी वीडियो में। अस्तु।